हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे गर्मियों के लिए बहुत ही ठंडा ठंडा मजेदार मैंगो डिलाइट। जब भी आप अक्सर गर्मियों के मौसम में शादी में जाते हैं तो आपने वहां पर ये मैंगो डिलाइट जरूर खाया होगा, तो आज हम इसे घर पर बनाएंगे। घर पर भी ये बहुत ही आसानी से तैयार किया जाता है और खाने में ये बहुत ही लाजवाब लगता है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो गर्मियों के मौसम में रोज इसे बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए क्रीमी क्रीमी मैंगो डिलाइट किस तरह से बनाया जाता है वो देखते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरी चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। यहाँ पर मैंने जो हाफूस आम आते हैं वो लिए हैं, आम मैंने 8 लिए हैं। हाफूस आम जब पक जाते हैं तो उसके छिलके पे इस तरह से निशान आ जाते हैं, तो आप पके हुए ही आम ले, कच्चे आम का इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पर मैंने 8 आम लिए है। इसमें से आप 3 से 4 लोगों के लिए ये क्रीमी क्रीमी मैंगो डिलाइट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके छिलके हम निकाल देंगे। हाफूस आम जब अच्छी तरह से पक जाते हैं तो इसके छिलके आप इस तरह से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आम को मैंने पहले पानी से साफ कर लिया था और फिर सूखे कपड़े से उसे पोंछ कर साफ कर लिया है। तो सबसे पहले हम आपके छिलके निकाल लेते हैं इस तरह से। ध्यान रहे कि आपको हाफूस आम का ही इस्तेमाल करना है, अगर आप कोई और आम लेते हैं तो उसके टेस्ट में बहुत ही फर्क आ जाएगा। हाफूस आम गर्मियों के मौसम में बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। छिलके निकालने के बाद हम इस तरह से इसे पीसेस में कट कर लेंगे। थोड़े से पीसेस मैंने साइड में रख दिए हैं गार्निशिंग के लिए। अब ये पीसेस को हम मिक्सर जार में डालकर इसका रस बना लेंगे। पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है इसके अंदर। तो मिक्सर जार के अंदर ये सारे जो पीसेस है इसको हम ग्राइंड करके इसका बहुत ही फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे, यानी कि आम का जो रस हम बनाते हैं वो तैयार कर लेंगे। मैंने 2 बैच में इसे डिवाइड कर लिया है, तो अब इसे मिक्सर जार के अंदर ग्राइंड कर लेते हैं। हाफूस आम जब आप इस तरह से ग्राइंड करते हैं तो वो बहुत ही गाढ़ा इसका रस बनके तैयार होता है। पानी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे क्योंकि बाद में हम इसके अंदर क्रीम ऐड करने वाले हैं। अब इसे हम छलनी से छान लेंगे ताकि अगर कोई भी रेशा उसके अंदर है तो वो निकल जाए और बहुत ही स्मूथ पेस्ट हमें तैयार होके मिले। ये बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाता है। जब भी आपके घर पे गेस्ट आने वाले हैं या फिर आप संडे के लिए स्पेशल लंच बना रहे हैं और उसमें आपको कुछ मीठा बनाना है तो आप ये रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में बनके तैयार होती है और साथ में खाने में ये इतनी लाजवाब लगती है। तो इसे हम छलनी में से छान लेते हैं। मैंने अभी इसे छान लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम आइस क्यूब। मैंने अभी 5 से 6 आइस क्यूब इसके अंदर डाले हैं। आधा कप इसके अंदर पीसी हुई चीनी डालेंगे। आम को आप टेस्ट कर ले और उसके अंदर जो भी स्वीटनेस है उस हिसाब से आप इसके अंदर चीनी की क्वांटिटी डालें। अगर आपको कम मीठा लग रहा है तो आप थोड़ी क्वांटिटी और भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छी तरह से अभी मिक्स कर लेंगे। हमने पहले पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाया है, इसीलिए हमने इसके अंदर अभी आइस क्यूब डाले हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अगर ये ठंडा है तो ही खाने में ज्यादा मजा आता है। चीनी और आइस क्यूब मिक्स हो गए हैं, तो अब इसके अंदर डालेंगे हम अमूल का फ्रेश क्रीम, जो अभी मैं आधा कप के करीब मिला रही हूँ। मिक्स कर लेंगे इसे भी। आइस क्यूब और क्रीम मिलाने से इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। अगर आपको क्रीम ज्यादा पसंद है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी और भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छी तरह से क्रीम भी मिक्स हो चुका है, तो अब डालेंगे हम छोटे वाले जो रसगुल्ले आते हैं जिसे अंगूरी रसगुल्ले भी कहते हैं वो डालेंगे। आधा कप मैंने यहाँ पर मिक्स ड्राई फ्रूट लिया है जिसमें काजू बादाम और किशमिश है। 1/3 कप के करीब इसके अंदर हम टूटी फ्रूटी डालेंगे। अगर आपके पास कलर वाली टूटी फ्रूटी है तो आप वो भी डाल सकते हैं और आम के पीसेस जो हमने साइड में रखे थे वो भी इसके अंदर डाल देंगे। सभी चीजों को हम अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं और उसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अभी हमारा क्रीमी क्रीमी मैंगो डिलाइट बनके तैयार हो चुका है। इसे हम 1/2 से 1.25 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। 1/2 से 1.25 घंटे के बाद अभी ये सेट हो चुका है, तो इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्रीमी मैंगो डिलाइट है वो कितना लाजवाब दिख रहा है और खाने में तो ये उससे भी बहुत ही बेहतरीन है। तो ये गर्मियों के मौसम में आप ये रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें।
इस तरह से बाउल में निकालने के बाद उसे हम थोड़ा सा गार्निश भी करेंगे, जिससे दिखने में वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा क्रीम इसके ऊपर। फ्रेश क्रीम डालने के बाद इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट और टूटी फ्रूटी डालेंगे और सबसे लास्ट में डालेंगे इसके अंदर हम चेरी। अभी हमारा ठंडा ठंडा क्रीमी मैंगो डिलाइट बन के सर्विंग के लिए तैयार है। तो इसे आप गर्मियों के मौसम में जरूर बनाएं और आपके घर वालों को और मेहमानों को खुश करें। ऐसी नई नई लाजवाब रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर से मिलते हैं ऐसी ही एक और नई मजेदार रेसिपी के साथ।